हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्री प्रशांत। तो आप सब कैसे हैं? जैसे भी हूँ आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस कैसे चेंज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका एड्रेस यहाँ पर हो, आप अभी वर्तमान समय में जिस भी एड्रेस पर आप हों, उसे आप कैसे अपने आधार कार्ड में अपडेट कर पाएंगे। एक बात गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड में एड्रेस को आप हर महीने चेंज कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट देती है कि आप आधार कार्ड में हर महीने अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने घर बैठे। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, इस वीडियो में यही हम जानेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। उसे मेरा नाम है प्रशांत और आप सब देख रहे हैं टेक प्रशांत। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर UIDAI की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपडेट आधार वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन आपको सिंपली इसी पर टाइप करना है। जैसे गाइस यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलकर रीओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। चलिए वेट कर लेते हैं, यहाँ पर खुल के आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। घर बैठे आपको कहीं भी किसी भी यहाँ पर आधार सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली प्रोसीड टू अपडेट आधार पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको उसके बाद कैप्चा वेरीफिकेशन यहाँ पर आपको डालना। कैप्चा वेरीफिकेशन अगर ना आए तो यहाँ पर फिर से आप रिफ्रेश कर लेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर आपका OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट यहाँ पर क्लिक करना है, अपडेट कॉन्फ़िगरेशन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो आपको जो जो यहाँ से चेंज करना है आप यहाँ पर उस पर टिक मारेंगे। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो यहाँ से आप गए मोबाइल नंबर, ईमेल और लैंग्वेज नहीं चेंज कर पाएंगे, ये आपका वहीं पर जाकर चेंज होगा आधार सेंटर पर। तो यहाँ से आप नेम, आधार नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है उस पर सिंपली टिक मारेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पर गाइस मुझे सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं सबको अनटिक करके प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस एक पॉपअप मैसेज आ गया। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर नेम आप अपने लाइफ में सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं, सॉरी आप यहाँ पर नेम आपको दो बार चेंज करने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिर्फ यहाँ पर आप एक बार चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार उसके बाद यहाँ यस IM पर क्लिक करना। उसके बाद प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर यहाँ पर रीओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी आपका डिटेल है पहले से जो भी डाला गया वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। केयर ऑफ में अगर आप यहाँ पर महिला हैं तो अगर आपकी शादी हो गई तो आप अगर आप यहाँ पर अपने पति का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने पिता के स्थान पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपने हाउस बिल्डिंग का नंबर डालना होगा। उसके बाद गली यहाँ पर आपका स्ट्रीट गली जो भी आपका मोहल्ला लगता हो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद अपना गांव डालना होगा, तहसील, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर एरिया हो वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड अपना डाल देंगे जो भी आपका हो, वो जो भी आपका यहाँ पर लैंडलाइन स्थान चिन्ह जो भी हो आप यहाँ पर अपना पूरी डिटेल अपना एड्रेस यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, सारा कुछ अपना यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना होगा। अगर आप नाम चेंज करते हैं तो नाम के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा वहाँ पर वो जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो वहाँ पर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट के आधार पर यहाँ पर एड्रेस के लिए पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर देंगे वो आपका 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद JPG, PNG फॉर्म में, PDF में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, जहाँ भी रखे होंगे आप वहाँ पर ला के यहाँ पर ओपन कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू पर आपको सिंपली क्लिक करना। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिलअप करना है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। OTP यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट डेबिट उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो सिंपली आपको इसी पर टाइप करना है। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV कोड और अपना नेम यहाँ पर डाल देना। उसके बाद प्रोसीड पर सिंपली आपको क्लिक करना है। 50 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट देना होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद गाइस आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको सिंपली OTP फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली
हो जाएगा। तो आप यहाँ पर उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर की सहायता से आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वही अपना आधार कार्ड, उसके बाद रेफरेंस नंबर डालना होगा, एक URL नंबर आपको पेमेंट करते वक्त मिल जाएगा, उस URL नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, 14 अंक का होता है, आपको पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर लगभग एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर एड्रेस आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेंज होकर जाएगा, कोई भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से अपना आधार कार्ड में अपना एड्रेस जो भी है आपका वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसे आप उसके बाद यहाँ पर आपका लगभग 3 से 4 दिन में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद अपना डाउनलोड करके कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपने आधार कार्ड को PVC में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लास्टिक के आधार कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लास्टिक मंगवाना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा तो उसका भी आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।